तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है नाइट्रोजन फैमिली, फिफ्थ ए ग्रुप। ओके, आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है क्या, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स के ऑक्साइड्स, या जो फिफ्थ ए वर्ग के तत्व हैं उनके ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑक्सो एसिड्स और भी जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन वर्ग के, या जो कहें कि फिफ्थ ए वर्ग के जो तत्व हैं, वो दो प्रकार के मेन जो हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक होता है E2O3 टाइप का और एक है E2O5 टाइप का। E2O3 जैसे कि N2O3 बनता है, P2O3 बनता है, AS2O3 बनता है, SB2O3 बनता है, Bi2O3 बनता है। ऐसे अगर हम E2O5 की बात करें तो N2O5 बनता है ना, P2O5 बनता है, और कई बार ये मिलता है P4O10 लिखा होता है, ऐसे ये लिखा होता है P4O6 है ना। तो इस तरह से ऐसे AS2O3 है, SB2O5 है, सॉरी AS2O5 है, SB2O5 है, Bi2O5 है। तो इस तरह से एक जो है ट्राई ऑक्साइड दिख रहे हैं, एक पेंट ऑक्साइड्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के मेन जो हैं इनके ऑक्साइड्स होते हैं। अब इनमें जो हमें मेन प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जो ऑक्साइड है इनमें एसिडिक नेचर, तो देखें ध्यान से देखें कि ऑक्साइड का जो अम्लीय गुण है, उसी को हम सहसंयोजी गुण भी बोल सकते हैं, वो समानुपाती है जो ये परमाणु है, ई परमाणु नाइट्रोजन वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के तो समानुपाती है, और आकार के क्या दिख रहा है, वो व्युत्क्रमानुपाती। मतलब है कि अगर एक ही तत्व के ऑक्साइड्स लिए जाए, E2O3 और E2O5, तो E2O3 की अपेक्षा E2O5 जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि E2O5 में जो ऑक्सीकरण अवस्था है ई की, तत्व की, वो +5 है, तो सहसंयोजी गुण ज्यादा हो। तो एक वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तब तो हमें परमाणु आकार का ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल समान है और अगर हमें एक ही तत्व में देखना है तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था का ध्यान रखना होगा। जैसे N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5, Bi2O5, तो अब हम ये वर्ग में चल रहे हैं। तो वर्ग में आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पेंट ऑक्साइड, वो अपने वर्ग में सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु, उच्च ऋण विद्युता, ठीक है, और उच्च सहसंयोजी गुण होने के कारण। ऐसे N2O3 में भी यही दिखेगा, वर्ग में नीचे की ओर लगातार अम्लीयता घटेगी। और अगर हम इनकी बात करें, आप देख रहे हैं कि जो N2O5 है वो मोर एसिडिक देन N2O3, इस तरह से। तो अगर एक ही तत्व की बात की गई है तो ऑक्सीकरण अवस्था का ध्यान रखना है, वर्ग में की गई है, ऑक्सीकरण अवस्था समान है, तो ध्यान रखें परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती देखना है अम्लीय गुण। E2O5 सभी अम्लीय होते हैं, N2O3, P2O3 अम्लीय है, बाकी AS2O3, SB2O3 ये उभयधर्मी है, Bi2O3 क्षारीय है। मतलब जितने भी पेंटाऑक्साइड्स हैं बच्चों, वो सबके सब अम्लीय हैं, कोई भी उभयधर्मी या कहें कि किसी प्रकार का उदासीन नहीं है। लेकिन अगर हम ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो N2O3 और P2O3 तो अम्लीय है, लेकिन बाकी जो है SB2O3, AS2O3 उभयधर्मी है, Bi2O3 जो कि धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय है। अब यहां बता दूं कि जो E2O3 कहलाते हैं, ठीक है, जो होंगे वो अस एसिड के एनहाइड्राइड कहलाते हैं बच्चों। मतलब जैसे N2O3 को हम वाटर में डिजोल्व करें तो बनेगा नाइट्रस एसिड। मतलब किसी एसिड का एनहाइड्राइड होने का मतलब है कि उस ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाए, और अगर कोई एसिड बनता है तो वो जो ऑक्साइड होगा वो एसिड का एनहाइड्राइड होगा। जैसे N2O3,
से बना नाइट्रस एसिड। तो हम कहेंगे N2O3 नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। N2O5 को डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब है कि N2O5 नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। N2O4 को डिसॉल्व करोगे O4 को तो आपको नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों बन रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये है हमें नाइट्रोजन वर्किंग ऑक्साइड्स, उनकी अम्लीयता के बारे में, उनके एनहाइड्राइड नेचर के बारे में, ये चीजें अच्छे से याद रखनी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ऑक्सो एसिड्स। देखो एसिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोटोनिक एसिड्स, जैसे हैलोजन एसिड, डायरेक्ट प्रोटॉन निकालते हैं, ठीक है, उनमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, वो हैलोजन से जुड़े हैं इसलिए वो एसिड होते हैं। और एक होते हैं प्रोटो ऑक्सो एसिड्स, मतलब ऐसे एसिड जिनमें प्रोटॉन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और वो प्रोटॉन जो है आसानी से प्लस की फॉर्म में निकल आता है, तो हम ऐसे एसिड्स को बोलते हैं ऑक्सो एसिड, जैसे H2SO4, HNO3, HClO4, H2CO3, H3PO4, ये सब क्या है बच्चों? ऑक्सो एसिड्स। तो जितने भी अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं किसी भी वर्ग के, आप देखो अगर उनकी जल से क्रिया होती है तो जो एसिडिक कंपाउंड बनता है हम उसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। जैसे N2O3 को वाटर में डिजोल्व करें तो बना HNO2, N2O5 को डिजोल्व करें तो बना HNO3, तो ये दोनों जो एसिड हैं ये कहलाएंगे ऑक्सो एसिड्स। और HNO3 मोर एसिडिक देन HNO2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो N2O5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही HNO3 में दिख रही है और इसलिए N2O5 ज्यादा एसिडिक है N2O3 से, तो HNO3 भी मोर एसिडिक देन HNO2। यहां तक बात क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो देखो फॉस्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हैं ये हमें इनके केवल स्ट्रक्चर और इनके एसिडिटी के बारे में ध्यान रखना है। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसी का एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड H3PO2। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है, फॉस्फीनिक, ये फॉस्फीनिक एसिड था, सॉरी यहां है फॉस्फीनिक एसिड है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड और ये है फॉस्फोनिक एसिड H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, देखो ऑर्थो किसी भी ऑक्सो एसिड के आगे तभी लगता है बच्चों जब अगर हम उस एसिड को हीट करते हैं और फिर से एक नया ऑक्सी एसिड बन जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, तो उस एसिड को जो बन रहा है उसे बोला जाता है मेटा एसिड, और जो बना रहा है मतलब जो बाप है पेरेंट एसिड है वो क्या है? ऑर्थो लग जाता है। जैसे आप इसी को हीट कर दो तो बनेगा HPO3+H2O, ये कहलाएगा क्या? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर किसी एसिड ऑक्सो एसिड को हीट करने से फिर से नया एसिड बन जाता है तो वो कहलाएगा मेटा लग जाएगा उसमें, और जो पेरेंट एसिड है उसमें ऑर्थो लग जाता है। पायरो, जब किसी एसिड को हीट करने से H2O निकल जाए और नया एसिड बन जाए तो पायरो एसिड हो जाता है। तो इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3, पायरोफॉस्फोरिक एसिड दो मोल फॉस्फोरिक एसिड को हीट करने से बनता है, पायरोलिसिस से बनता है ये H4P2O7, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3N, पॉलीमेटा में, ठीक है, और एक और होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H4P2O6। अब देखो यहां पर जो है हाइपोफॉस्फोरस नहीं पायरोफॉस्फोरस एसिड आएगा, नहीं क्या लिखा है यार, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड H4E2O6। ये H3PO3 के डिहाइड्रेशन का एसिड है। तो यहां तक बात क्लियर है? अब हम आते हैं कुछ लक्षण याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे पहला है सभी अम्ल, ठीक है, अलग अलग क्षारीयता दर्शाते, मतलब ये है कि जितने भी ये फॉस्फोरिक या फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड्स हैं इनकी अम्लीयता अलग अलग है,
जैसे मोनोफॉस्फो, ठीक है, यह है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसमें केवल एक OH है। और ध्यान रखें बच्चों कि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनमें जितने OH होते हैं वही प्रोटॉन निकाल सकते हैं और वही उनकी बेसिसिटी डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो H3PO2 है उसमें केवल एक OH है, इसलिए मोनो बेसिक है, ठीक है। इसमें दो OH हैं तो डाई बेसिक है, इसमें तीन OH हैं तो ट्राई बेसिक है, और इसमें चार OH हैं तो ये क्या है, टेट्रा बेसिक है। बात क्लियर है अच्छी तरह से, तो ये ध्यान रखना है। और जो ये H डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है ये अपचायक नेचर का होता है, ये किसी को अपचायित कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पी और ओ के बीच में आ जाएगी और वो किसी से ऑक्सीजन निकाल सकता है। तो इस तरह से H3PO3 किसी का ऑक्सीजन निकाल उसे रिड्यूस कर सकता है। H3PO2 भी रिड्यूसर है लेकिन H3PO4 नहीं होगा क्योंकि अब इसमें फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ये है साइक्लो मेटा ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो ये साइक्लो है, ट्राई है और इसकी रिपीटिंग यूनिट है HPO3, तो इसीलिए इसको बोला गया साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ट्राई बेसिक दिख रहा है, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड जिनमें लगातार इस तरह से चेन बनती जाएगी और इसमें बहुत सारे OH होंगे तो पॉली बेसिक होगा, ये ट्राई बेसिक है। ये बाकी तो मैंने आपको ऊपर बताई दिए कितनी है इनकी बेसिसिटी, ओके। तो इस तरह से ये हमें जो है एसिड्स के बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक इसी तरह से ये जो एसिड लिखा हुआ है इसमें हो जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, तो इस तरह से ये है पाइरोफॉस्फोरस एसिड। अब हम आगे आते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी देखो, यदि हाइड्रोजन फॉस्फोरस से प्रत्यक्ष जुड़ा है तो अम्ल अपचायक भी होगा, जैसे H3PO2 ये दो ऑक्सीजन लेके बना लेगा H3PO4 फोर हाइड्रोजन, तो यही हाइड्रोजन क्या है बच्चों, अपचायक होते हैं। इसीलिए जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है और फॉस्फोरस एसिड दोनों में हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं निसेंट हाइड्रोजन और यही क्या होते हैं, अपचायक। इसका मतलब है कि H3PO2 और H3PO3 दोनों अपचायक हैं। प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में अम्ल डिस्प्रोपोर्शनेशन दर्शाता है, मतलब ये अपने आप को उच्चतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में बदल लेता है। जैसे H3PO3 है डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ तो यहां से यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया है और यहां से यहां फास्फोरस का क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। तो कुल मिला के 4 फॉस्फोरस में से आप देख रहे हैं 3 फॉस्फोरस अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये 2 कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गए बच्चों, जोड़ गए। तो P3+ से P- तक पहुंच गया और इस तरह से ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। प्रत्येक अम्ल में फॉस्फोरस sp3 संकृत अवस्था में है, प्रत्येक अम्ल में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पी ओ एच होता है। तो इस तरह से ये फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं से आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नाइट्रोजन वर्ग के हैलाइड्स। तो बच्चों ये 2 प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 टाइप का और EX5 प्रकार। EX3 में आते हैं जैसे कि NX3, PX3, X, ये सभी मतलब ग्रुप के सभी मेंबर इस तरह से हैलाइड्स बनाते हैं जहां X है क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, इस तरह से आयोडाइड भी होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सबसे स्टेबल फ्लोराइड के साथ बनते हैं। 5 की बात करें तो इस तरह से यहां पर PX5, AX5, SBX5, तो यहां पर भी X ये होता है। नाइट्रोजन में डी कक्षक ना होने के कारण NCl5 नहीं बनता, ध्यान रखें केवल नाइट्रोजन इस ग्रुप में पेंटॉक्स हैलाइड नहीं बना सकता क्योंकि 5 हैलाइड जोड़ने के लिए 5 संकृत और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन में केवल 3 ही कक्षक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रख सकती हैं, तो EX3 तो बन सकता है लेकिन EX5 नहीं बनेगा। सहसंयोजी गुण देखें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर पोलराइजिंग पावर, हायर कोवेलेंट नेचर, तो EX5 मोर कोवेलेंट देन EX3।
स्थायित्व की बात करें तो EX3 मोर स्टेबल देन EX5। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि सहसंयोजी गुण होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण भी ये EX5 कम स्टेबल हो जाते हैं। ग्रुप में जाएं तो लगातार स्टेबिलिटी EX5 की डिक्रीज होगी। ठीक है, NF3 जल में अभिलेय है तथा जल अपघटित नहीं होता, ये ध्यान रखें। NF3 SF6 ठीक है जो होते हैं CCl4 CF4 CCl4 ये ना जल अपघटित होने वाले हैलाइड्स हैं। दूसरा है कि NX3 लुईस क्षार होते हैं जबकि PX3 लुईस अम्ल होते हैं। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि ये नाइट्रोजन के हैलाइड तो लुईस क्षार हैं? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन में वेकेंट कोई ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वाटर नाइट्रोजन से डायरेक्ट क्या नहीं हो सकता है, जो है OH ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा बल्कि H इस लोन पेयर के थ्रू जुड़ जाएगा। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन NH3 में और ये हाइपोहैलस एसिड में बदल जाते हैं HOCl, जबकि PCl में क्या है लोन डी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर एक जुड़ जाएगा तो P से OH जुड़ा दिखाई देगा और इसीलिए ये लोन पेयर एक्सेप्टर हो गए। तो PX3 लुईस अम्ल है जबकि NX3 लुईस क्षार, दोनों के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स इसलिए बदलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, PCl5 की संरचना के बारे में आता रहता है तो ध्यान रखें PCl5 की संरचना नियमित नहीं है, मतलब सभी बॉन्ड एक से नहीं है। एक्सियल बॉन्ड ज्यादा बड़े होते हैं 240 पिकोमीटर के और इक्वेटोरियल 120। रीजन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, एक 90 डिग्री का, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये पेयर ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, जबकि यहाँ पर एंगल कितने का है 120 का, तो रिपल्सन कम होगा। तो यही रीजन है कि एक्सियल बॉन्ड बड़े हो जाते हैं इक्वेटोरियल, ये है 240 पिकोमीटर का जबकि इक्वेटोरियल का देखो आप 202 पिकोमीटर का, समझिए ना। तो इस तरह से ये है PCl5 की ठोस अवस्था में ये आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और बन जाता है PCl4+ और PCl6-। ब्रोमीन बनाता है PBr4+ और Br-। ऐसा क्यों हुआ है, ये 6 क्यों नहीं बना पाया Br वाला? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि Br बड़ा हैलोजन है साइज में और वो 6 में स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से दोनों की सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जबकि ये PCl5 की गैसियस स्टेट में है, और ये फिर अगर इसको लिक्विड करें तो भी इस तरह से रहेगा। ओके, तो बाकी जो बचा हुआ मैटर है बच्चों फिर मैं अगली टर्न में लूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मेरे पास, काफी मैटर है इसके बारे में, ब्राउनिंग फॉस्फोरस की ये सब और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।